Chappelle Cut. About the next page pe, I would like a pair like yours, said the horse. Horse ने कहा कि I would like a pair like yours, मतलब तुम्हारी जैसी pairs हैं, वैसी मुझे चाहिए, only green, हरी. They will keep the sun out of my eyes while I am funking the 50-acre field. मतलब मुझे जैसी तुम्हारी आंखों की जोड़ी मतलब pair है वैसी चाहिए कि मुझे green दिखाई दे जब sun उगे मेरी eyes, ठीक है, मेरी आईज इतनी अच्छी हो कि मैं 50 acre मतलब 50 जो एकड़ का जो फील्ड है मतलब खेत है वो जोत सकूं. Certainly said the doctor, green ones you shall have. मतलब green ones मतलब ये तो तुम्हारे पास होगी. You know the trouble is, sir, said the fluff horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can torture animals just because the animals don't complain. मतलब क्या होता है कि ट्रबल, अब एक मुश्किल आई. क्या मुश्किल आई? किसने कहा ये? सेड द फ्लफ हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू हिम आउट. मतलब उसने डॉक्टर को बुलाने के लिए दरवाजा खोला, ठीक है. अब ट्रबल थी कि मतलब ट्रबल ये है कि एनीबडी थिंक मतलब कोई ये ना सोचे कि ये क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है किसे, एनिमल्स को, जानवरों को. जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, बिकॉज एनिमल्स बोल नहीं पाते ना, कंप्लेन नहीं करते. As a matter of fact, his text a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. मतलब एक जो ये डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर, that is a good of people's doctor, मतलब इंसानों के डॉक्टर से अच्छा है. Where did he put it? Asked the doctor. Oh, he didn't put it anywhere on me, said the horse. He only tried to. I kicked him into the duck pond. मतलब जो डॉक्टर है मैं मतलब उसको मैं डक पॉइंट तक मैंने किक करके पहुंचा दिया. वेल वेल सेड द डॉक्टर, अच्छा किया. आई एम अ प्रीटी क्वाइट क्रिएचर एज अ रूल, दैट द हॉर्स वेरी पेशेंट विद पीपल, डोंट मेक मच फीस, बट इट वॉज बैड इनफ टू हैव दैट वेट गिविंग मी टू रॉन्ग मेडिसिन. एंड वेन दैट रेड फेस्ड बबी स्टार्टेड टू मंकी विथ मी, I just couldn't bear it anymore. मतलब जो डॉक्टर थे, मतलब जो ये तो डॉक्टर इंसानों का है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो जो डॉक्टर था किसका, जो एनिमल्स का, वो तो जब इसके उसके पास गया, ठीक है, जो ये डंकी है जब गया उसके पास, हॉर्स गया, तो तब क्या हुआ उसके साथ कि उसने तो पेशेंसली वहां पर मतलब अपना इलाज करवाया सब, बट उसने क्या करा वहां पर कि उसे रॉन्ग मेडिसिन दे दी, गलती वाली, जो मतलब मिस्टेक वाली मेडिसिन दे दी, गलत मेडिसिन, जिससे क्या हो गया उसका पूरा फेस था वो रेड हो गया, ठीक है, किस तरह बंदर की तरह हो गया, ठीक है. और आई जस्ट कुडंट बियर इट एनी मोर, और फिर वो ज्यादा उस मेडिसिन को नहीं ले पाया. डिड यू हर्ट द बॉय मच, आस्क्ड द डॉक्टर. उसने कहा कि तुमने उस मतलब बच्चे को या तो या फिर डॉक्टर को क्या मतलब और भी नुकसान पहुंचाया? ओ नो सेड द डॉक्टर, नहीं, आई किक्ड हिम इन द राइट प्लेस, मैंने उसको एक अच्छी जगह पे किक किया, मतलब जहां उसे ज्यादा ना लगे, चोट ना लगे. द वेट्स लुकिंग आफ्टर हिम नाउ, व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी. जब तक कि मैं, आप बताइए, आप मेरे ग्लासेस, उसने कहा कि अब मैं तब तक उसको ना देखूंगा तब तक कि उसके मेरे ग्लासेस मतलब जो मेरा चश्मा है वो नहीं बन जाते. I will have them for you next week, said the doctor. Come in again on Tuesday. Good morning. उसने कहा ठीक है, अब मैं next week आऊंगा. फिर डॉक्टर ने कहा come again on Tuesday. तुम ट्यूजडे को आना. Good morning. Then John Doolittle got a fine big pair of green spectacles. वो अब है ना क्या करने लगा, मतलब green pair of spectacles के लिए ढूंढने लगा या बनाने लगा. And the blow horse stopped going blind in one eye. And could she as well as ever. मतलब जो वो एक आंख से अंधा होने वाला था हॉर्स, तो वो अच्छे से देख पाए, उसके लिए ग्रीन स्पेक्टल्स बनाने लगा. As soon it become a common sight to see farm animal wearing glasses in the country round suddenly, and a blind horse was a thinking unknown. मतलब अगर इंसान जैसे जानवर है, अगर वो कॉमन साइट से देखना बंद कर दे, ठीक है, तो एनिमल्स अगर ग्लासेस पहनने लगे कंट्री में, तो वो भी क्या कहेंगे, वो भी अच्छे से रह पाएंगे. और अब ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंक अननोन, अभी उसके लिए मैं अननोन हूँ, लेकिन अगर वो मुझे देखेगा तो वो मुझे जान पाएगा. एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल दैट वर बॉट टू हिम. एज सून एज द दे फाउंड दैट ही कुड देयर टॉक देयर लैंग्वेज, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज एंड हाउ
दे फील्ड एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम। लेकिन इन सब चीजों में क्या हुआ, जो उन्होंने लैंग्वेज सीखी थी, कौन सी लैंग्वेज, एनिमल लैंग्वेज, वो उनको काम आई, क्योंकि उससे क्या हुआ जो डॉक्टर थे वो उनसे बात कर पाए, उनका पेन, उनके दर्द को समझ पाए और उनके दर्द को फील कर पाए। क्योंकि जब तक हम सामने वाले की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे वो क्या बोल रहे हैं, तब तक हम उसका दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए जॉन डूलिटिल ने भी जानवरों की लैंग्वेज सीखी, जिससे वो उनको अच्छे से क्या कर पाए, उनको मतलब उनका ट्रीटमेंट कर पाए और उनके दर्द को समझ पाए, ठीक है, और उनको जल्दी से अच्छा कर पाए। नाउ ऑल दिस एनिमल वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विथ द बिग गार्डन हु रियली वॉज अ डॉक्टर। अब सारे एनिमल, सारे जानवर अपने भाई बहनों रिश्तेदारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ एक डॉक्टर है जो छोटे से घर में रहता है, जिसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है और वो सच में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। ओके, ये कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल बाय ह्यूज लॉफ्टिंग। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी है डॉक्टर डूलिटिल की समझ में आई होगी। ओके, ये हमारा पार्ट थर्ड है, इसका हमने पार्ट टू भी आपको पढ़ा दिया है, पार्ट वन भी आपको पढ़ा दिया है। ओके, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको विद आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।